कोविड महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए जिला प्रशासन आगे आया है और जिला प्रशासन के प्रयासों से हमीरपुर जिला में 9 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। तो 61 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान माता या पिता से एक को खोया है, तो उनकी भी पहचान कर पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोविड काल में घरेलू हिंसा के 329 मामले सामने आने पर उन्हें निपटाया गया है। जिला बाल विकास एवं महिला विभाग हमीरपुर के द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए कारगर कदम तो उठाए जा रहे हैं, तो कोविड काल में महिलाओं के उत्थान में कमी न आए और सरकार की स्कीमों का बिना रुके लोगों को लाभ मिले, इसके लिए भी निरंतर विभाग डटा हुआ है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला बाल विकास एवं महिला अधिकारी एचसी शर्मा के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की जा रही है और अर्ध अनाथ बच्चों में 150 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 61 बच्चों के माता पिता कोविड की बीमारी का ग्रास बने हैं। वहीं कोविड काल में घरेलू हिंसा से 329 मामले सामने आए थे, जिनमें से 185 मामलों की काउंसलिंग करके उन्हें निपटाया गया है। वर्तमान में 35 मामले लंबित पड़े हैं, जिन्हें भी जल्द सुलझाया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान जो विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जैसे हमारे बच्चे हैं वो 20,990 जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सूखा राशन बांटा और 8,000 से भी अधिक गर्भवती और धात्री माता हैं इनको जो हमने सूखा राशन दिया है। और यही नहीं, जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर हैं उनके जो बच्चे और माता महिलाएं हैं गर्भवती और धात्री, तो उनमें 114 बच्चे और 33 गर्भवती धात्री महिलाएं थी माताएं, उनको भी हमने इसमें कवर किया है। तो इसके अलावा जहां तक योजनाओं की बात है तो हमारे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो अभी भी 1 अप्रैल 2021 के बाद हमने 34 जो लाभार्थी है इनको 17,40,000 रुपये की राशि जो है इनके खाते में भेजी है। और इसके अलावा मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के तहत जो है वो 1,063 जो बच्चे हैं वो कवर हुए और उनके लिए जो है 33,60,000 रुपये की राशि जो है RTGS इन बच्चों की माता के खाते में भेजी है। और जहाँ तक ये विधवा पुनर्विवाह की बात है तो सरकार की एक योजना है कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए विधवाओं को, तो इनके हमारे 3 आवेदन थे तो तीनों आवेदनों को जिला से अप्रूव होके 1.5 लाख रुपए की राशि इन तीनों को जो है भेज दी गई है। शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए सहायता राशि दी जा रही है, जिसके लिए आवेदन करने के लिए भी शादी से 2 माह पहले की प्रक्रिया रखी गई है ताकि पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक शगुन योजना जो कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार है उन परिवार की बेटियों के लिए लागू की है। और इस योजना के तहत जो है 31,000 रुपये की जो सहायता राशि है वो उनके माता पिता, अगर माता पिता जीवित नहीं है तो बेटी को भी ये मिल सकती है। और इसका जो आवेदन का जो है हमने खंड विकास अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए अधिक प्रचार करने के लिए जो है ये योजना का जो अधिसूचना है वो उनको भेज दिए हैं ताकि 1 अप्रैल के बाद जितने भी पात्र हैं वो सभी उन पात्र परिवारों की जो बेटियां हैं परिवार हैं वो लाभान्वित हो, उनके आवेदन पत्र हमें मिल जाएं तो हम इस राशि को जो है उनको भेज देंगे। इसमें आवेदक जो है जो विवाह 2 महीने पहले, विवाह की तारीख तय होने से 2 महीने पहले भी आवेदन कर सकते हैं और विवाह के बाद 6 महीने तक भी वो आवेदन जो है इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। एचसी शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जिला में आंगनवाड़ी केंद्रों में 20,690 बच्चों को फ्री में राशन बांटा गया और प्रवासी परिवारों के बच्चों को भी राशन पहुंचाया गया है। साथ ही 8,000 से ज्यादा गर्भवती माताओं को भी राशन पहुंचाया है ताकि कोविड में भी स्कीमों का लाभ बराबर मिलता रहे। हमारे यहाँ जिला में 1 अप्रैल 2020 के बाद
नौ बच्चे जो है वो अनाथ आए। इसमें से तीन बच्चे ऐसे थे जो जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड की वजह से खो दिया, और ये नौ बच्चों में जो है हमारे सात बच्चे फोस्टर केयर में जो है उनके ले लिए हैं, और एक बच्चा जो है पहले ही उसमें हमने कवर कर लिया था। जहाँ तक एक और बच्चे की बात है, वो कांगड़ा जिला में रहता है अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, तो उस बच्चे को वहीं पे कवर किया जा रहा है। इसके अलावा अर्धनाथ भी हमारे यहाँ 149 बच्चे जो है उनकी पहचान हुई, और 149 में हमारे 61 जो बच्चे हैं वो केवल कोविड की वजह से उनके उन्होंने अपने माता या पिता दो में से एक को किसी को खो दिया। अब हमारा जो अर्धनाथ बच्चे हैं, ये प्रयास है, हमने बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से सभी को बताया है कि जो हम ये मदर टेरेसा मातृ संभल योजना है, इसके तहत अगर कोई पात्र है तो उनके जल्दी से जल्दी आवेदन जो है ऑनलाइन भेजे जाए और उन परिवारों की, ताकि मदद हो जाए। जैसे हमारे विभाग में पर्यवेक्षक जो है वो अधिसूचित किए गए हैं संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के तहत, तो 329 केस 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च के बीच आए थे। इसमें से 185 केसों मामलों में जो है वो काउंसलिंग हुई और सेटल हुई, और 75 जो मामले थे उनमें जो है उनकी DIR जो है तैयार की गई। और इस दौरान अभी 1 अप्रैल 2021 के बाद जो है हमारे यहाँ 35 मामले दर्ज हुए हैं, तो इनमें से 5 में DIR तैयार हो गई है और 10 मामलों में काउंसलिंग की गई है। तो ये हमारे यहाँ जो पीड़ित किसी भी तरह से, चाहे वो घरेलू हिंसा है या किसी अन्य वजह से भी है, तो एक वन स्टॉप सेंटर का जो है एक शेल्टर होम है, और यहाँ पे वो महिला जो है उनको आश्रय दिया जाता है, वो 5 दिन तक यहाँ रह सकते हैं। अभी हाल ही में भी एक ऐसा ही मामला आया था, जो एक पीड़ित थी अपने परिवार में, जिसने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि हमें जो है परिवार से खतरा है, तो वो महिला को लाया गया और फिर उसके बाद उसको क्योंकि वो CWC के सामने प्रस्तुत करने के उपरांत उसको जो है वो बालिका आश्रम बेटी को भेजा गया।